चलिए दोस्तों लेके आ गया हूं आपके लिए और एक जबरदस्त वीडियो एंड दिस इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर सीरीज अंडर 10,000 के फोन्स। जी हाँ, चार महीने पहले किया था, थोड़ा डिले हो गया, हर क्वार्टर करते हैं, मतलब हर तीन महीने में करते हैं, सॉरी फॉर द डिले। लेकिन दोस्तों ये जो लिस्ट है, पांच नए फोन्स आ गए। अगर आप पिछला हमारा अंडर 10,000 का वीडियो देखते हो तो सभी जो फोन्स हैं नए आए हुए, इसका मतलब पिछले दो तीन महीनों में लॉन्च हुए। बताने वाला हूं मेरे टॉप 5 पिक्स फॉर स्मार्टफोन्स अंडर 10,000। उसके पहले दोस्तों अगर पहली बार हमारे चैनल पे आए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए, बेल आइकन बजाइए, ऑल कीजिए ताकि हमारे वीडियो के सब नोटिफिकेशन आपको मिल जाए जैसे ही हम एक नया वीडियो अपलोड करते हैं। ओके दोस्तों, अगर आपने पहले हमारे देखे हुए वीडियो तो आपको पता है कि हम स्ट्रिक्ट एक बेंचमार्क रखते हैं, प्रॉपरली रिसर्च करते हैं, उसके बाद में आप तक वीडियो लाते हैं। फॉर एग्जाम्पल दोस्तों, 10,000 के नीचे जो फोन है, मिनिमम क्राइटेरिया ये है कि 6.5 इंच की स्क्रीन कम से कम होनी चाहिए, कम से कम 4GB रैम, 64GB स्टोरेज होना चाहिए। पहले दोस्तों ये 3GB हुआ करता था एक 6-8 महीने पहले, अब वो 4GB तक हो गया है रैम का। अंडर 10,000 के फोन्स 64GB स्टोरेज चाहिए, 5000mAh की बैटरी चाहिए। और अगर मैं किसी चीज को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस देता हूं दोस्तों, तो वो देता हूं परफॉर्मेंस को। परफॉर्मेंस शुड बी रियली गुड। और हाँ, कैमरास कम से कम ट्रिपल कैमरास तो होने चाहिए। यस, 10,000 जो दे रहे हैं दोस्तों, पांचवें नंबर पे जो फोन आता है ना, इट माइट हैव बीन सेकेंड और थर्ड नंबर भी, लेकिन अगर आपने स्पेक्स का कंपेरिजन किया तो ये जो है स्लाइटली नीचे है, बट स्टिल आई लाइक दिस फोन, लावा का माई जी दोस्तों। इंडियन कंपनी है और पहला ऐसा फोन है जो आप कस्टमाइज कर पाओगे। इसमें 4GB रैम, 64GB स्टोरेज, ट्रिपल कैमरा पीछे की तरफ, आगे 16MP का सेल्फी कैमरा, ये सब आप देखते हो। साथ में दोस्तों G35 प्रोसेसर है वो आता है, ठीक ठाक है, मेरी लिस्ट में पांच नंबर पे है। 8999 इसकी प्राइस है, मतलब बाकी के जो फोन है दोस्तों वो 9999 के हैं, ये 8999 में ये सब कुछ आपको मिलता है। एंड फॉर दैट प्राइस डेफिनेटली इट इज एट नंबर 5, इवन माइट गो टू नंबर 4। दोस्तों ये जो चौथे नंबर का फोन है उसका नाम थोड़ा अजीब सा है, टेक्नो पोवा, लेकिन बहुत सारी बड़ी चीजें आती है, बड़ी बैटरी, बड़ा प्रोसेसर, बड़ा डिस्प्ले, 6.8 इंच का HD+ डिस्प्ले आता है, हीलियो G80 प्रोसेसर आता है और 6000mAh की बैटरी है, 4GB रैम, 64GB स्टोरेज वगैरह वो सब तो है ही। 9999 के लिए अगर आप बाकी सब स्पेसिफिकेशंस के पास देखते हो, डेफिनेटली इट इज एट नंबर 4। सिर्फ दोस्तों ये और ऊपर क्यों नहीं बढ़ा इतने अच्छे स्पेसिफिकेशंस होने के बाद, क्योंकि इसका जो OS है, आई एम नॉट वेरी हैप्पी, कभी कभी एड्स वगैरह दिख जाते हैं और इसीलिए एक्सपीरियंस के मामले में थोड़ा नीचे की तरफ है और इसीलिए हमारी लिस्ट पे आता है चौथे नंबर पे। तीसरे नंबर पे आता है दोस्तों इन्फिनिक्स हॉट 10, जो अभी लॉन्च हुआ है, 6.78 इंच की HD+ स्क्रीन आती है, तो बड़ी स्क्रीन आती है दोस्तों। अगर आपको बड़े स्क्रीन के फोन चाहिए तो टेक्नोपोवा एंड इन्फिनिक्स हॉट 10 आर फॉर यू, बट बाकी सब चीजें अच्छी है इसके अंदर। XOS उसका जो OS है ठीक ठाक है दोस्तों, 4GB रैम, 64GB स्टोरेज है, G70 का प्रोसेसर है, यस इट इज हीलियो G70, लेकिन मुझे इसके ऊपर एक्सपीरियंस थोड़ा ज्यादा अच्छा लगा और इसीलिए ये टेक्नोपोवा के ऊपर है। ओवरऑल 9,500, मतलब 9499 इसकी प्राइस है, मतलब ₹500 से कम भी है। 5200mAh की बैटरी है, ट्रिपल क्वाड कैमरास है, पीछे की तरफ 16MP फ्रंट कैमरा है। ओवरऑल डेफिनेटली मेरी लिस्ट में दिस इज एट नंबर 3। वैसे दोस्तों जो भी फोन्स मैं बता रहा हूं सभी के लिंक्स मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए, जरूर जाके देखिएगा। ऑलराइट, अब टॉप 2 के हो गए हैं, तो टॉप 2 पे दोस्तों Realme Narzo 20A, मुझे लगता है उस प्राइस रेंज में सही में ये अच्छा फोन है। इनफैक्ट परफॉर्मेंस के मामले में मैं कहूंगा दिस वन माइट बी द बेस्ट। क्यों? Qualcomm Snapdragon 665 का प्रोसेसर आता है, 4GB रैम, 64GB स्टोरेज है, 5000mAh की बैटरी आती है इसके अंदर, ट्रिपल कैमरा सेटअप है, एंड यस OS के मामले में Realme UI है जो सही में मुझे अच्छी लगती है, इट इज वन ऑफ द बेटर UIs आउट देयर। सो ओवरऑल सभी चीजों के पास देखोगे और इसकी प्राइस 9,500 की है, तो डेफिनेटली इन दिस लिस्ट इट हैज टू बी एट नंबर 2। वैसे दोस्तों पहले नंबर का फोन बताने से पहले आपको मुझे बताना है दोस्तों, डू यू अग्री विद दिस लिस्ट और नॉट? अगर नहीं करते हो, क्यों नहीं करते हो, ये भी मुझे नीचे कमेंट्स में जरूर बताइए। और दोस्तों ये जो पहले नंबर का फोन है ना, ये मतलब बाकी सब फोन इधर है और ये पहले नंबर का इधर है, मैं बात कर रहा हूं पोको M2 के बारे में। क्यों? 6.53 इंच की FHD फुल HD+ स्क्रीन आती है, बाकी सब में दोस्तों आपको HD+ स्क्रीन मिलती है, इसमें FHD+ स्क्रीन मिलती है, हीलियो G80 प्रोसेसर मिलता है, साथ में 6GB रैम एंड 64GB स्टोरेज, बाकी सब 4GB है, ये 6GB रैम, 64GB स्टोरेज एंड वन ऑफ द बेस्ट प्रोसेसर इन दिस प्राइस रेंज G80, ये मिलता है आपको। 5000mAh की बैटरी है, 18W का फास्ट चार्जिंग है, पीछे की तरफ क्वाड कैमरा सेटअप है, क्या चाहिए 10,000 के नीचे दोस्तों? डेफिनेटली 10,000 के नीचे अगर कोई फोन देखोगे
पोको एम टू स्टैंड टॉल अबाउ एवरी वन एल्स, दैट्स फॉर श्योर, इसीलिए नंबर वन पे हमारी लिस्ट पे। वैसे दोस्तों आपका बजट थोड़ा ज्यादा है, 11,000 तक आप स्पेंड कर पाओगे, तो Redmi का है, Redmi 9 Power है, जिसमें स्टीरियो स्पीकर्स आते हैं, मल्टीमीडिया के लिए वगैरह जबरदस्त है। वैसे उसका सभी जो मैंने फोन्स बताए हुए हैं, सभी मैंने यूज़ किए हुए हैं, उनका अनबॉक्सिंग किया हुआ है, जरूर iCard पे जाके देखिएगा। वैसे आपको कोई सवाल है इस लिस्ट के बारे में, कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो तक कीप ट्रैकिंग एंड स्टे सेफ।